अगर किसी को कुत्ता काट ले तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर किसी को सक का कीड़ा काट ले तो उसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि जब ये काटता है तो ये सीधा आपकी बुद्धि पर अटैक करता है, जिससे आपके सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने और सभी कार्य करने की क्षमताओं को नष्ट करता है। क्योंकि दोस्तों, इसके काटने से आपके दिमाग में पैदा होता है भ्रम। जब भ्रम पैदा होता है तो आपको अपने ही काम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहता है और आप धीरे धीरे सफलता के मार्ग से भटककर असफलता के मार्ग पर पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुशवाहा और हमारे प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़िंदगी बदल लेने की सबक देने वाला आज की इस वीडियो में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन जो फैक्टर होता है मेरे हिसाब से, वो होता है बिलीफ। आपके कंपनी के ऊपर बिलीफ, आपके प्रोडक्ट बिलीफ, आपके प्लान के ऊपर बिलीफ, आपके इनकम के ऊपर बिलीफ, आपके अप्लाइंग के ऊपर बिलीफ, आपके पूरे सिस्टम के ऊपर बिलीफ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक बिलीव होता है तब तक आप सफलता के मार्ग पर सक्सेस रहते हैं। जिस दिन आपका बिलीव ख़त्म हो जाता है उस दिन आप असफलता के मार्ग पर पहुंच जाते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात के अलावा भी दुनिया के किसी भी फील्ड में जब तक आपका बिलीव रहता है तब तक आप सफल रहते हैं। जिस दिन आपका बिलीव ख़त्म होता है उस दिन आप असफलता के मार्ग पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। आज से हजारों साल पहले राजाओं महाराजाओं का जब शासन चलता था तब वहां पर लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं होता था, तो वो लोग दान में रुपया पैसा नहीं बल्कि सोना, चांदी, गेहूँ, चावल, धान, लकड़ी, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जानवर आदि चीज़ें दान में दिया करते थे। ऐसे कुछ समय पहले एक पंडित जी ने अपने यजमान के यहाँ यज्ञ किया तो यजमान ने बदले में उसे बच्चियाँ दे दी। पंडित जी बच्चियाँ लेकर आ रहे थे तभी रास्ते में उन्हें चार ठगों ने देखा। उन ठगों ने सोचा कि आज पंडित जी को ठगते हैं। चारों ठग कुछ कुछ दूरी पर अकेले अकेले खड़े हो गए। पंडित जी जैसे पहले ठग के पास पहुँचे तो पंडित जी ने कहा, अरे भैया क्यों बैठे हो? तो उसने कहा, अरे पंडित जी क्या भांग पी के आए हो? क्या बात है, सर पे आप कुतिया क्यों बैठा लाए हो? पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख हो क्या, ये सर पे कुतिया नहीं बल्कि बच्चिया है। तो उसने कहा, अरे पंडित जी आप पागल हो गए हो, आपके सर पे ये बच्चिया नहीं बल्कि कुतिया है। लेकिन पंडित जी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। तभी दूसरा ठग खड़ा हुआ था, उसने कहा, राम राम राम, पंडित जी आपने तो सुबह सुबह सर पे कुतिया बैठा ली है, क्या बात है? पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख ये कुतिया नहीं ये बच्चिया है। लेकिन उसने कहा, अरे नहीं पंडित जी ये कुतिया ही है, अभी आप गांव जब पहुंचोगे देखना गांव वाले आपके ऊपर हंसेंगे, नहीं मानते हो तो जाओ गांव फिर देखना भी सभी हंसते हैं कि नहीं। पंडित जी ने उसको भी इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। तभी तीसरा ठग वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने देखा, कहा, अरे पंडित जी क्या बात है, सुबह सुबह कुतिया को सर पर बैठा लिया, वैसे तो रोज़ बड़े ज्ञान की बातें करते हो और आज अब सुबह सुबह कुतिया को सर पर बैठा लिए हो, क्या बात है? पंडित जी ने कहा, अरे पागल ये कुतिया नहीं ये बच्चिया है। लेकिन उसने कहा, अरे नहीं पंडित जी ये कुतिया ही है। लेकिन पंडित जी ने उसकी ये बात पर विश्वास नहीं किया और वो आगे बढ़ गए। लेकिन पंडित जी के मन में एक जो शक का कीड़ा काट चुका था, उनके मन में भ्रम ऑलरेडी बैठ चुका था, तो उन्होंने आगे जा के उस बच्चिया को नीचे उतारा और सर से लेके पांव तक, पूंछ तक, कान तक सब देख डाला। फिर सोचा, अरे ये है तो खैर बच्चिया ही, लेकिन उनके मन में भ्रम बैठ चुका था। पंडित जी ने सोचा कि आगे जाके किसी से पूछूंगा, अगर उसने कुतिया कहा तो इसे यहीं डाल दूंगा, बच्चिया कहा तो घर ले जाऊँगा। आगे चौथा ठग पहले से ही बैठा था, उस ठग को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पंडित जी ने खुद कहा, ये बताओ मेरे सर पे ये कुतिया है या बच्चिया? वो तो पहले से ही ठग था। उसने कहा, अरे पंडित जी ये कुतिया है। पंडित जी ने वहीं उस बच्चिया को फेंक दिया
और चुपचाप घर चले गए। क्या पंडित जी के पास ज्ञान नहीं था? क्या पंडित जी के पास सोचने की क्षमता नहीं थी? क्या पंडित जी समझते नहीं थे कि ये कुतिया है या फिर बच्चिया? लेकिन उन्हें भ्रमित कर दिया गया, उनके मन में शक पैदा कर दिया गया और उन्होंने क्या किया, उस बच्चिया को फेंक कर चुपचाप अपने घर आ गए। सेम यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। जब आप इसमें ज्वाइन होते हो तब आपका बिलीव आपकी कंपनी के प्रति, आपके बिजनेस प्लान के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके अपलायन के प्रति बिलीव 100% लेवल पे होता है। लेकिन जब आप अपनी कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट सारा कुछ लेके जब फील्ड में जाते हो तो आपको निगेटिव लोग मिलते हैं, तरह तरह की बात कहते हैं, ये तो अपनी टोपी दूसरों को पहनाने के जैसा है, चैन टूट जाती है, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कंपनी भाग जाती है, पैसा नहीं आता है, मैंने भी ज्वाइन किया था, इस तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो इन ऑब्जेक्शंस में आपको इस वीडियो से ये सबक मिला होगा कि आपको इन सब चीज़ों से परेशान होकर अपनी कंपनी को छोड़ नहीं देना है और घर नहीं बैठ जाना है, इन सब का आपको जवाब नहीं देना है। जिस चीज़ का जवाब आपके पास है उस चीज़ का जवाब दो, यदि नहीं है तो उसे इग्नोर करो और अपनी कंपनी के प्रति विश्वास बनाए रखो। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी कंपनी के साथ में हो, कम से कम 1 से 2 साल उस फील्ड में उस कंपनी को दो। अगर उसके बावजूद भी आपको वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप कंपनी स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमने आप तक एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप सबके पास जो मैसेज मैंने पहुँचाने की कोशिश की है वो मैसेज पहुँच चुका होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो हमारी कंपनी के साथ, तो फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर कॉल करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाके यस लिखो और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि हर निगेटिव लोगों से बचने के लिए सभी लोगों को ये वीडियो हेल्प कर सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली हर एक उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।